हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरह से हमने लैटिस एनर्जी कवर कर दी है, लैटिस एनर्जी के बाद में हमने देखे बेटा व्हाट इज अ वीबीटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब कंप्लीट हुआ था मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आने वाली है और वो लिमिटेशंस क्या होगी वो डिस्कस करके बेटा हम जाएंगे नई थ्योरी पे और वो हो गया हाइब्रिडाइजेशंस। तो आपने देखा बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थी, मतलब शेयरिंग ऑफ जो बॉन्ड बनता है, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये चैप्टर हमारा वही है बेटा, दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग सी है बेटा। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरह से हमने वीबीटी कवर की है, एक्चुअली वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने देखा होगा, लास्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब उसमें लिमिटेशंस क्या होती है वो देखेंगे, लेकिन वो देखने से पहले मैं थोड़ा आपको और कुछ चीजें उसमें बता दूं जो नीट एग्जाम में और आईआईटी मेंस में बार बार पूछा गया है। वो है दैट इज अबाउट द कैलकुलेशन और द नंबर ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन इट, और वी कैन से द नंबर ऑफ ए पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन इट। अब ये देखेंगे बेटा, देखिए वो वीबीटी से ही आ रहा है, एक्चुअल टॉपिक हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही है जिस तरह से आपने नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड बता दिए। बट अब हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट और वी कैन से द नंबर ऑफ और द टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। मतलब आपको नीचे में कुछ कंपाउंड दूंगा और उस कंपाउंड में आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बताने हैं। जैसे कि एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, यहां पर हम SO2 का लेंगे। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल लिया मैंने और मुझे पूछा गया सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने और पाई बॉन्ड कितने हैं, और वो जो पाई बॉन्ड है बेटा उस पाई बॉन्ड की टाइप्स कितने हैं। तो देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज सिखा दूंगा, दूसरा चीज आप लोग ने ट्राई करना है, राइट। क्या है देखिए बेटा, सल्फर के सराउंडिंग में दो ऑक्सीजन है, तो आप जानते हो उसका रफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। ये रफ स्ट्रक्चर है बेटा, पक्का। मतलब सल्फर में कितने बॉन्ड बनाने, चार बॉन्ड बनाने हैं। मतलब अगर सल्फर को चार बॉन्ड बनाने हैं तो सल्फर के पास चार अनपेड होना चाहिए। तो ये है बेटा मेरा सल्फर आइटम जिसकी एटॉमिक नंबर 16 है, और इसकी कॉन्फिगरेशन हम ऐसे लिखते हैं, कैसे बेटा, नियॉन 10+2 12, 12+4 16। अब ये देखो 3s में दो इलेक्ट्रॉन है और बेटा 3p में चार इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 then 2 then 3 and 4, और देखो इसमें दो अनपेड यहां पर आ गए। तो एक्चुअली आपको दिख रहा है सल्फर के पास चार बॉन्ड है। अगर सल्फर के पास चार बॉन्ड है तो सल्फर में चार अनपेड रखना है, तो यहां दो ही अनपेड है। पर आप ये भी जानते हो सल्फर का 3d ऑर्बिटल डब्बा खाली है, मतलब यहां पर पांच ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों के पांचों भी खाली है बेटा। तो आप क्या करो, अब ये पांच खाली है तो आप क्या करो, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। अब आपने लिखना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, मतलब यहां 3p का ऑर्बिटल यहां डालो, 3p 4 था वो 3p 3 हो जाएगा, 3d 0 था 3d 1 हो जाएगा, 3s एज इट इज होगा। अब आपने काउंट करने नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं, देखो बेटा यहां अनपेड कितने, 1 2 3, बेटा यहां अनपेड कितने देखो, 1 2 3 4 and 5। तो अब सल्फर के पास हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चार अनपेड आ गए। सल्फर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चार अनपेड आ गए, वेरी गुड बेटा, ये तो होना था हमें। अब ये तो पक्का है कि पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड पाए, तो पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड पाए, वेरी गुड। अगर आपको केमिकल का ये जो मेथड, अगर हाइब्रिडाइजेशन का नहीं भी मालूम तो कुछ नहीं होता बेटा, पहले तो दो सिग्मा बॉन्ड बना लो, ये बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा सिग्मा। तो सल्फर का बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा के लिए इन्वॉल्व हो गया और ये भी सिग्मा के लिए इन्वॉल्व हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ठीक से बनाने की कोशिश करेंगे, ये रहा, अगर ये सिग्मा है तो सल्फर का पी ऑर्बिटल होगा, देखो सल्फर का पी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास अनपेड पी ऑर्बिटल में ही है,
अगर ये भी सिग्मा होगा तो सल्फर का पी ऑर्बिटल देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पी से, ये भी इलेक्ट्रॉन पी से, एक ही ऑक्सीजन का ये वाला पी ऑर्बिटल सल्फर का गया और ये सल्फर का पी ऑर्बिटल बेटा यहाँ सिग्मा बनाया ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से। आई होप समझने की कोशिश करो बेटा। सल्फर के पास चार अनपेड है, चार में आपको दिख रहा दो सिग्मा है, दो सिग्मा है बेटा, ये दोनों सिग्मा में सल्फर का ये अनपेड किस ऑर्बिटल में तो बोलो पी, और सल्फर का ये भी अनपेड किस में तो बोलो पी, राइट। तो सल्फर का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, वैसे ही सल्फर का और एक इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब देखो बेटा सल्फर के पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक ये वाला और एक ए वाला। बेटा ये इलेक्ट्रॉन अभी बनाएगा तो कौन सा पाई बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा, तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से आ रहा। ऑक्सीजन के पास हमेशा पी ऑर्बिटल में ही अनपेड होते हैं तो ये बना लिया पाई बॉन्ड। सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा, डी से आ रहा, अब ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन बेटा डी ऑर्बिटल से है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है और ये बना लिया पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर बेटा। मैं और एक बार बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं बेटा बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं और एक बार बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस SO2 का पहले रफ स्ट्रक्चर बना लो। देखो बेटा SO2 का आपने सबसे पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा पाए, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बनेगा पाए। मतलब अभी इस सल्फर ने कितने बनाया, एक दो तीन चार बॉन्ड बनाए, और आप जानते हो चार बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर के पास चार अनपेड होना जरूरी है। तो सल्फर के पहले ग्राउंड स्टेट में दो अनपेड थे, हमारे काम के नहीं है, हमें क्या होना बेटा चार अनपेड होना। तो फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट में सल्फर के पास में 3s2 3p4 जो था, 3s2 3p4 जो था, 3p4 से इलेक्ट्रॉन यहां गया, 3p4 बिकम 3p3, 3d0 बिकम 3d1, आपको चार अनपेड तो आई है बेटा। ये चारों अनपेड में आपको मालूम है सल्फर, अकेला सल्फर पहले दो सिग्मा बनाएगा। तो पहले ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गया, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गया, और सल्फर के पास फिर से दो इलेक्ट्रॉन बाकी है बेटा, ये वाला और ये वाला, जो कि वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन पी से आ रहा और ये इलेक्ट्रॉन डी से आ रहा, जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था, सल्फर ये दो डबल बॉन्डेड विथ ओ, डबल बॉन्डेड विथ ओ। हमेशा याद रखो बेटा ऑक्सीजन के पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल में ही होते हैं, ऑक्सीजन के पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल में ही होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा सल्फर का पी ऑर्बिटल से था तो सिग्मा बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल से ही था तो सिग्मा बना लिया, और सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन बेटा पी ऑर्बिटल में बचा और एक डी से बचा, सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन पी में बचा और एक इलेक्ट्रॉन डी में बचा, तो ये हो गया पाई बॉन्ड और ये भी हो गया पाई बॉन्ड। मतलब आपसे पूछा जाएगा SO2 में सिग्मा बॉन्ड्स कितने, तो आपने बोलना दो, दो सिग्मा। SO2 में पाई बॉन्ड कितने, तो आपने बोलना दो, दो पाई बॉन्ड है बेटा। ये दो पाई बॉन्ड के भी टाइप्स है, इसमें एक आपको PP का पाई बॉन्ड दिख रहा और इसमें एक आपको DP का पाई बॉन्ड भी दिख रहा। देखो बेटा ये वाला पाई बॉन्ड P और P ऑर्बिटल से बना, ये वाला पाई बॉन्ड D और P ऑर्बिटल से बना। तो SO2 में दो टाइप के पाई बॉन्ड है, एक PP का पाई बॉन्ड और एक DP का पाई बॉन्ड। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था बेटा VBT में अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड देखना है तो PP के पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा देन द DP पाई बॉन्ड देन द DD पाई बॉन्ड। तो ये SO2 का एक मॉलिक्यूल है जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना बता दिया है। प्लीज बेटा एक बार देख लो, अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट तो प्लीज यू कैन आस्क मी द डाउट, नहीं तो इसके बाद में हम थर्ड स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर और एक देखेंगे SO3 मॉलिक्यूल एंड कार्बोनेट रेडिकल। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी हमने SO2 में देखा है कि SO2 के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दो है और पाई बॉन्ड भी दो है, और दोनों की दोनों पाई बॉन्ड, एक पीपी का पाई बॉन्ड है और एक पीडी का और डीपी का पाई बॉन्ड है, राइट। हम एक काम करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे SO3 वाला। देखिए टाइप्स ऑफ द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग में SO2 तो हो गया, अब हम एक काम करेंगे SO3 में जाएंगे।
and we try to find out number of sigma bond and pi bond present in the SO3 molecule, right? अब ध्यान से देखिए बेटा कैसे होगा। ये मेरा SO3 का मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं बेटा, ये SO3 का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान कर, SO3 का रफ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। वैसे भी अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो बेटा, लेविस स्ट्रक्चर्स मैंने बनाना सिखाया था, उसमें से आपको आ ही जाएगा। तो ये रफ स्ट्रक्चर में सल्फर में कितने बॉन्ड बनाए, 2, 4+2, 6। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, SO3 में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाया, देखिए बेटा 2+2, 4+2, 6 बॉन्ड बनाए। मतलब सल्फर के पास 6 अनपेड होना जरूरी है। तो आप ऐसे लिखो ना, सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गई एनियॉन, फिर आता 3s2, फिर आता 3p4, फिर आता 3d0, फिर इसको पूछा जाएगा क्या है, तो बोला ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन करो, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन मेंशन करो बेटा, 1, 2, 3, 4। 3d में देखो बेटा 5 बॉक्सेस होते हैं और ये 5 बॉक्सेस में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आपको सल्फर में कितने अनपेड होना, 6, तभी तो जाके 6 बॉन्ड बनाओगे। तो ये तो 2 अनपेड काम के नहीं है। फिर आप क्या लिखते हो बेटा, फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट लिखते हो बेटा। फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट में 3p4 को 3p3 कर दो, 3d0 को 3d1 कर दो। अब देखो कितने अनपेड है, 1, 2, 3 बेटा। यहां कितने अनपेड है, यहां पर 1 अनपेड आ गया। और 3s के कितने बेटा, अपने आप में 3s के 2 है ही है। तो फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट में कितने अनपेड आ गए, देखो 3+1, 4 अनपेड। ये भी हमारे काम के नहीं है। तो अब काम का ये है बेटा, सेकंड एग्जाइटेड स्टेट। तो अब यहां से 3s से इलेक्ट्रॉन, फिर यहां 3d में जाओ, 3s2 बिकम 3s1, 3p3 एंड 3d2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गया। तो बेटा ये 3s का 1 होता है, 3p के 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3, और ये जो 3d दिख रहा है बेटा आपको, ये है इसके 2 होते हैं इस तरह से। अब देखो मैंने जिस तरह से बना दिया, आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहां पर हमने कितने अनपेड ला लिए, 3+2, 5+1, 6। आपको दिख ही रहा सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा तो फिर पाए, 2 एटम के बीच में पहला सिग्मा तो फिर पाए, 2 एटम के बीच में पहला सिग्मा तो फिर पाए। और आपको ये भी बताया था बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड पी ऑर्बिटल में होंगे। तो भाई ये पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी, इसको छोड़ो, और ऑक्सीजन के दोनों अनपेड ये पी में है और ये पी में है। इसमें पूछा जाता है भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो दिखाई दे रहा सिग्मा बॉन्ड 3 है, अच्छी बात है। आपसे पूछा जाएगा पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 है। बेटा आपसे पूछा जाएगा ये 3 के 3 पाई बॉन्ड के टाइप्स बताइए। सुनो, सिग्मा बॉन्ड सल्फर पहले 3 बनाने वाला है, 1 सिग्मा, दूसरा वाला भी सिग्मा और तीसरा वाला भी सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। अब देखो सल्फर का ये अनपेड पाए बनाएगा, ये वाला भी पाए बनाएगा और ये वाला भी पाए बनाएगा। अब बताओ बेटा ये पाए बनाने के लिए सल्फर के कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, पी ऑर्बिटल। तो भाई ये पी पी का 1 पाए बॉन्ड हो गया। दूसरा बेटा सल्फर का अब ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा, डी, तो ये वाला डी से आ रहा, तो डीपी का 1 आ गया, 2 हो गए। तीसरा सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन भी कहां से आ रहा, डी ऑर्बिटल से आ रहा, तो बेटा ये वाला सल्फर का डी से आ रहा, तो ये डीपी पाई बॉन्ड। तो बेटा डीपी पाई बॉन्ड, बोलो डीपी पाई बॉन्ड कितने, 2, पीपी पाई बॉन्ड कितने, 3। तो हम बोलेंगे बेटा SO3 मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड तो है, लेकिन 3 में 1 इज ए पीपी पाई बॉन्ड एंड 2 इज ए डीपी पाई बॉन्ड। आई होप बेटा आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालने आ गया है। देख लीजिए बेटा और एक करेंगे बेटा, यहां पर जो हमने देखे थे अभी SO3 का, और एक देखेंगे बेटा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन, नेक्स्ट वन इज SO4 2-, मतलब रेडिकल है उसकी बात करेंगे। क्योंकि अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रहा ना बेटा तो हम लोग इजीली बता सकते हैं, अगर एक ही रहा तो सिंपल हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं देखिए आपके लिए, बहुत ही छोटा सिंपल एग्जांपल, लेट अस से मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर,
कार्बोनेट का बेटा, CO3 2-। इसका अगर रफ स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसे बनता है, आप सबको मालूम है बेटा, ये उसका रफ स्ट्रक्चर है, ये उसका रफ स्ट्रक्चर है। मतलब यहां तो इतना तो दिख रहा है कि कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, तो मतलब 4 बॉन्ड बनाए। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 बेटा, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, 2s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बेटा 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। आपको कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने हैं, 2 है आपके काम के नहीं है, तो आप इसी को फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट बना लो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां चले गए, यहां गया तो 2p2 बिकम 2p3 हो गया और ये 2s1 हो गया। सिग्मा बेटा फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, तो दूसरा बॉन्ड जो होगा पाई होगा। तो बेटा कार्बन ने 3 सिग्मा तो बनाने हैं बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो बनी है बेटा। ये एक जो बना है वो पाई बॉन्ड है, और आप जानते हो ये ऑक्सीजन के हमेशा पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं। तो ये अगर ऑक्सीजन का पी होगा तो ये कार्बन का कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पी सी आ रहा, तो आप बोलना पी, तो आप बोलना CO3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो 3 है और पाई बॉन्ड भी एक ही है, कौन से टाइप का बेटा, पी ऑफ कार्बन एंड पी ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ए पीपी टाइप ऑफ द पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द कार्बोनेट मॉलिक्यूल, राइट। ये हो गया बेटा। और एक एग्जांपल है कार्बोनेट के बाद में, वी विल गो विद वन मोर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज ए सल्फेट रेडिकल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल फॉर फोर्थ वन दैट विल बी कॉल्ड एज ए बेटा SO4 2-, कॉल्ड एज ए सल्फेट रेडिकल। इसका भी एक रफ स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे होता है बेटा। ये सल्फर है, ये आता डबल बॉन्ड ओ, ये आता डबल बॉन्ड ओ, ये आता ओ के साथ नेगेटिव, और ये भी आता बेटा ओ के साथ नेगेटिव। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा तो फिर पाए, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा तो फिर पाए बेटा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, तो बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड बेटा। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1+1, 2 पाई बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाएगा ये पाई बॉन्ड जो आपने दो बनाए हैं सर बेटा, इसके टाइप्स कितने हैं, मतलब कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है, क्या ये पीपी के दोनों है या पीडी के, तो देखेंगे बेटा कैसे। देखो आप एक काम कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, जस्ट पॉज करके आप पता कर लो कि वो पीपी के हैं या डीपी के हैं, राइट। चलो अब मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो कैसा बेटा, इसमें बताया गया सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब तो आप पक्का मालूम होगा सल्फर का ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट में 4, और सेकंड एग्जाइटेड स्टेट में आप देखो बेटा सल्फर के सेकंड एग्जाइटेड स्टेट में अगर आप कॉन्फिगरेशन बनाते हो तो ये कुछ इस तरह से आता है, क्या बेटा 3s है ना, 10 11 12 16 है ना, तो आएगा 10 11 12 13 14 15 16, थर्ड सेकंड एग्जाइटेड स्टेट में बेटा, तो 3s का 1 आ गया, 3p के 3 आ गए और 3d के बेटा 2 आ गए। यहां देखिए सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4 तो बना ली है, तो फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा, 4 तो सिग्मा हुई है बेटा, 1, 2, 3, 4। अब देखो ऑक्सीजन के हमेशा पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व करने वाले हैं, मैं आपको बता दिया ना बेटा, आप भी चेक कर लेना, ऑक्सीजन के हमेशा पी ऑर्बिटल। बेटा बताओ सल्फर के पास 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा, तो बोलना सर ये डी से आ रहा, और ये इलेक्ट्रॉन भी किस से आ रहा, डी से आ रहा, तो ये भी डी से आ रहा। तो देखिए बेटा ये वाला पाई बॉन्ड डीपी का है और ये वाला भी पाई बॉन्ड डीपी का है, तो भाई यहां पर डीपी के पाई बॉन्ड 2 बना लिया, डीपी के पाई बॉन्ड 2 है, मतलब SO4 2- में आपके पास 4 सिग्मा तो है बट 2 पाई बॉन्ड है, और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड किस टाइप के बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ द डीपी पाई बॉन्ड एंड डीपी पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों डीपी के, पीपी के पाई बॉन्ड है ही नहीं बेटा इसमें। तो ये था बेटा मेरा आज का जो छोटा सा टॉपिक जो मैंने बताना था, वीबीटी से कंटिन्यू करते हुए जब मैं यहाँ पे आया तो वीबीटी में मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना तो सिखा दिया बट वहां पे टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड नहीं बताया, जस्ट मुझे लगा द नेक्स्ट वीडियो अगर आप बच्चा देखोगा, मतलब कोई बच्चा ये नेक्स्ट वीडियो को देखेगा
तो डेफिनेटली दे विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ द पाइपॉन्ड जो मैंने आपको तीन से चार एग्जाम्पल में करा दिया राइट अब कंटिन्यू करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी क्या है और वीबीटी की लिमिटेशन को कैसे समझेंगे उसके बारे में बात करेंगे भी राइट तो लिमिटेशन क्या होती है वीबीटी की पहले उसको समझेंगे और उस लिमिटेशन को रेक्टिफाई करने के लिए कौन सी थ्योरी एग्जिस्ट कर गई या कौन सी थ्योरी पुट फॉरवर्ड हुई उसके बारे में जानेंगे ठीक है तो पहले मैं बताने जा रहा हूं बेटा लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या है वो देखिए बेटा व्हाट इज ए लिमिटेशंस ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा ये तो पक्का है अगर आपने मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीडियो पहले पूरा देखा होगा उसमें आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी गुड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती क्यों है बेटा ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो भी सही है और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से उसकी बॉन्ड एनर्जी बनती है कैसे देखो बेटा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये वाला किसका CH4 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आई वॉन्ट टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल बेटा ये CH4 का मॉलिक्यूल है मतलब आप देखो ये कार्बन का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है 1, 2, 3 और 4 वेरी गुड बेटा सिग्मा 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 तो यहां पर कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है तो मैं लिखता हूं 1s2 2s1 एंड 2p3 ये सीधा सीधा मैंने एग्जैक्ट स्टेट लिख दिया बेटा फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट लिख दिया तो 2s का 1 आ रहा और बेटा 2p के 3 आ रहे दिख रहा 2s का क्या आ गया बेटा 1 आ गया और 2p के 3 आ गए इसमें भी देखो बेटा आप 2s1 2p3 जो दिख रहा है आपको 3+1 4 में इसमें देखो आप क्या होने वाला है बेटा ये बॉन्ड सिग्मा 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 है राइट तो ये बॉन्ड सिग्मा ये भी बॉन्ड सिग्मा ये भी बॉन्ड सिग्मा और ये भी बॉन्ड सिग्मा लेकिन आप देखो बेटा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा है एस ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन के हमेशा एस ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करते हैं हाइड्रोजन में हमेशा एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन एस से आ गया तो हम बोलेंगे एस एस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक है बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा पी से आ रहा तो कार्बन का पी एस फिर बेटा ये भी पी एस और ये भी पी एस तो देखो कार्बन ये सी एच फोर में आपके पास एस एस के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो बोलना एक एस पी एस के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पी एस बोलो या एस पी बोलो तो बेटा ये एक है और ये तीन है देखो पी एंड एस पी एंड एस पी एंड एस तीन सिग्मा बॉन्ड है तो अब आपको ये तो मालूम पड़ रहा आपने पढ़ा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में बेटा हमेशा पीपी की ओवरलैपिंग अच्छी होती है देन द पीएस देन द एसएस मतलब इससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन दिस वन एंड दिस वन अगर इन दोनों में देखो तो इससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन दिस वन मतलब आपसे पूछा जाएगा बेटा यहां पर कितने सीएच के बॉन्ड है तो आप बोलोगे इसमें सीएच के 4 बॉन्ड है क्या बेटा चारों के चारों सीएच बॉन्ड हैज इक्वल बॉन्ड एनर्जी तो दे डज नॉट हैव दे 4 सीएच सीएच बॉन्ड्स बेटा 4 सीएच बॉन्ड्स डज नॉट हैव सेम बॉन्ड एनर्जी सर क्यों सेम बॉन्ड एनर्जी नहीं है बेटा वीबीटी तो वही बता रहा है कि पीपी से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा लेकिन ये एक एस होगा और एक पी होगा उससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ पीपी से तो कम होगी लेकिन एसपी की जो सिग्मा बॉन्ड बनने की स्ट्रेंथ वो एसएस के सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होगी तो ये तो दिख ही रहा है 4 सिग्मा बॉन्डों में बेटा एसएस का 1 सिग्मा बॉन्ड और एसपी के 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब चारों सीएच के जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं है और ये किसके बेसिस पे बेटा आप बोलना इट इज बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हम ऐसा बोलेंगे बेटा बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑल द 4 सीएच बॉन्ड इन सीएच 4 डज नॉट हैव ए सेम बॉन्ड एनर्जी तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑल 4 सीएच बॉन्ड्स ऑल 4 सीएच बॉन्ड Does not have same bond energy. किससे? According to VBT. बेटा but
एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट ऑल फोर सी एच बॉन्ड्स हैज सेम बॉन्ड एनर्जी. बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है. एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड, देखियो इट वॉज फाउंड दैट ऑल फोर सी एच बॉन्ड हैज सेम बॉन्ड एनर्जी. एक्सपेरिमेंटली सेम है बट वीबीटी से सेम नहीं है. मतलब ये तो पक्का हो गया कि वीबीटी की थ्योरी में कहीं ना कहीं फर्क पड़ गया. वीबीटी की थ्योरी कहीं ना कहीं गलत हो गई, राइट? ये एक एग्जांपल सीएच फोर का दिया बेटा. उसी के साथ और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, सेकंड एग्जांपल ऑफ बीएफ थ्री का भी देना चाहूंगा बेटा. देखो ये तो मैं सीएच फोर का दे दिया, राइट? अब एक थोड़ा एग्जाम्पल बीएफ थ्री का भी दे दूंगा, मतलब लिमिटेशन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. देखो बेटा बीएफ थ्री का मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं बीएफ थ्री, मतलब बोरॉन ने तीन बॉन्ड तो बनाई है, वन और ये टू और ये थ्री. बेटा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. बोरॉन की एटॉमिक नंबर होती है लिथियम बेरिलियम बोरॉन 3, 4, 5. कॉन्फिगरेशन बेटा बेटा 1s2 2s2 2p1. सीधा सीधा फर्स्ट एग्जैक्टेड स्टेट में लिखो तो ये आ गया 2s1 और ये आ गया 2p2. मतलब इसके पास भी बैलेंस में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो बेटा ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड. बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा? एस. बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा? तो पी. और बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा बेटा? पी. फ्लोरीन के पास अनपेड हमेशा पी ऑर्बिटल में ही होते हैं. तो देखो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड बना आपका एसपी का, और पीपी के कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा? दो सिग्मा बॉन्ड, पीपी पीपी. तो अब मुझे बताओ बीएफ थ्री में कितने बीएफ बॉन्ड है? तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वी आर हैविंग ए 3 बीएफ बॉन्ड. और वीबीटी के हिसाब से देखो बेटा, वीबीटी के हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा, वीबीटी के हिसाब से यहां पे जो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 में बेटा एक आपका एसपी का सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, बाकी दो पीपी के सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं. एसपी का कितना आ रहा है बेटा? एक आ रहा है. और पीपी के कितने आ रहे हैं आपको? दो आ रहे हैं. तो क्या बेटा दोनों के तीनों के तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी? तो बोलेंगे नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको दिख भी रहा है बेटा, यहां पर क्या दिख रहा है कि एक जो सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो एसपी से बना है, बाकी के दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं पीपी से बने हैं. तो ऑल द 3 बीएफ बॉन्ड डज नॉट हैव सेम बॉन्ड एनर्जी अकॉर्डिंग टू वीबीटी. बट हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट ऑल 3 बीएफ बॉन्ड, बेटा ऑल 3 बीएफ बॉन्ड हैज सेम बॉन्ड एनर्जी. मतलब अभी भी आपको देखो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कैसे बेटा. यहां पर उन्होंने यही बताया है बेटा, यहां पर उन्होंने यही बताया है कि बीएफ थ्री में भी हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा. 3 सिग्मा बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एसपी से बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड पीपी से बनते हैं. तो वीवीटी के हिसाब से क्या तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है? हम बोलेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीवीटी ऑल 3 बीएफ बॉन्ड डज नॉट हैव सेम बॉन्ड एनर्जी. बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि तीनों के तीनों जो बीएफ बॉन्ड्स है सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है. इसका मतलब ये क्लियर हो गया बेटा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वहां पर आपका वीबीटी थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं तो गलत है. आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं. राइट. अब ये तो क्लियर हो गया कि बीएफ थ्री में आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेटा? 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बीएफ थ्री में. लेकिन ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे नहीं है बेटा. एक सिग्मा आपके एस और पी की ओवरलैपिंग से बना. देखो बोरॉन का एस, फ्लोरीन का पी. बोरॉन का एस और फ्लोरीन का बेटा ये वाला, सॉरी बोरॉन का एस और फ्लोरीन का पी. तो एक सिग्मा बॉन्ड एसपी से बना. फिर बोरॉन के 2p ऑर्बिटल के, 2p ऑर्बिटल के और फ्लोरीन के 2p. तो पीपी के 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए. मतलब ये भी क्लियर है अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेटा तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं हो सकती. किसके हिसाब से? वीबीटी के हिसाब से. तो मैंने भी वही लिखा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑल द 3 बीएफ बॉन्ड
डज नॉट हैव सेम बॉन्ड एनर्जी, बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज सीन दैट ऑल द थ्री पेयर बॉन्ड्स आर हैविंग ए सेम बॉन्ड एनर्जी। तो अब बात आ गई क्या भाई, CH4 में चार सिग्मा बॉन्ड है, VVT के हिसाब से चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो चारों के चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम आ गई। बेटा BF3 में तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और VVD के हिसाब से क्या तीनों की सिग्मा बॉन्ड एनर्जी सेम है? नहीं है, एक SS एक SP का बन रहा, बाकी के दो PP के बन रहे हैं, तो सेम बॉन्ड एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है बेटा क्या कि तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड उसके सेम बॉन्ड एनर्जी के हैं। तो फिर लोगों ने पूछा किससे, VVD किसने बनाया, सुधीर सर ने तो नहीं बनाया, किसने बनाया, पॉलिंग स्लाब ने और स्लेटर साहब ने बनाया, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। फिर उनसे पूछा गया भाई साहब आपने थेरी तो बनाया, बहुत अच्छी बात है, थेरी में इतने का आपने क्या इतनी चीजें आसान कर दी कि बॉन्डिंग कैसी होती है क्या होती है, लेकिन क्या इनकी बॉन्डिंग और इनकी CH4 की बॉन्डिंग आप बता पाओगे? तो वो बता नहीं पाए बेटा, जो चीज वो बता नहीं पाते, कोई भी थेरी जब बनने के बाद उसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं होती है तो वो चीजें उस थेरी की लिमिटेशन में आ जाती है। तो बेटा ये हमारे पॉलिंग एंड स्लेटर की VVD की थेरी का लिमिटेशन है, CH4 का एक मॉलिक्यूल, BF3 का एक मॉलिक्यूल, BCl2 का भी मॉलिक्यूल आता है बेटा, लेकिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दो एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि इनकी लिमिटेशन क्या है। तो बेटा इस लिमिटेशन को रेक्टिफाई करने के लिए अब नई थ्योरी आ गई, और आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था वो थ्योरी का नाम था लड्डू बनाने वाली थ्योरी, एक्चुअली मैं ऐसा बोलता हूं लेकिन लड्डू बनाने वाली थ्योरी मतलब दैट इज नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन, और वो हमको आज पढ़ना है, राइट बेटा। मैं यहां से ये निकाल रहा हूं, देख लीजिए, आई एम गोइंग टू टेक आउट। अब ये लिमिटेशन को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ थ्योरी आगे आ गई, वो क्या है थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, पहले वो थ्योरी के बारे में समझेंगे और फिर बाद में ये जो लिमिटेशंस आ गए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। अब वो क्या होता है देखो ध्यान से, द नेक्स्ट थ्योरी केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बेटा हाइब्रिडाइजेशन। इस थ्योरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है सुनो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी। देखो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करा रहे हो ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड फॉर्म आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। मतलब जो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं ना, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जो इंटरमिक्सिंग वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है उनकी एनर्जी या तो सेम हो सकती या तो नियरली सेम हो सकती, लेकिन इनसे मिलने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी बेटा कैसी होगी, यहां नियरली की बात नहीं करना, यहां 100% दे आर हैविंग द सेम एनर्जी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अब लिखना इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड फॉर्म आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली बेटा ये जो फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट डेफिनेशन दे दिया जो हमारे बुक में है। अब बात आती है बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। हाँ देखिए बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसके लिए मैं छोटी छोटी कंडीशंस लिखता हूं, वो कंडीशंस होगी तो कंडीशंस अगर होते हैं कंडीशन फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आसपास आ गया और इंटरमिक्स कर गया, ना बेटा ऐसा नहीं होता। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपको इंटरमिक्सिंग कराने हैं उनकी भी कुछ कंडीशंस होती है। अब ये थ्योरी को थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, लड्डू बनाने वाली थ्योरी जो मैंने आपको बोला उसके बारे में बताना चाहूंगा, सुनो बेटा। अभी क्या हो गया,
घर में चार बच्चे हैं, चार बच्चे में एक बच्चे को, एक बच्चा जो है उसको काजू बहुत पसंद है, ठीक है, एक बच्चे को बादाम बहुत पसंद है और एक बच्चे को बेटा अखरोट बहुत पसंद है, ठीक है, तीन बच्चों को तो एक एक चीज तो आएगी, एक को बादाम होना, एक को काजू होना, एक को अखरोट होना, और एक जो बच्चा है बेटा उसको मनु का बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा वाला होता है ना, अंगूर का सूखा हुआ, ठीक है, लेकिन जिसको मनु का पसंद है उसको अखरोट पसंद नहीं है, उसको बादाम भी पसंद नहीं है, उसको काजू भी पसंद नहीं है, जिसको काजू पसंद है उसको ये तीन पसंद नहीं है। अब पेरेंट क्या चाहता कि चारों बच्चों को चारों चीजें मिल जाए, तो लेकिन ये चारों बच्चों में एक चीज कॉमन होती है, उनको बूंदी है ना, बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, ये वाले को भी बूंदी के लड्डू पसंद है, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को, चौथे वाले को। तो पेरेंट, आप जानते हो पेरेंट पेरेंट होता है, बच्चा बच्चा होता है, पेरेंट टैलेंट होता है, टैलेंटेड होता है। पेरेंट क्या करता, वो बच्चे के सामने ऐसा काजू ले लेता है, बोलता कि बेटा मैं ये बूंदी के अंदर काजू डाल रहा हूं करके, काजू का बारीक करने लग जाता है, दूसरे बच्चे को दिखाते कि देखो बेटा आपके लिए मैं अखरोट के लड्डू बना रहा हूं, तीसरे बच्चे को बोलता है कि बादाम के बना रहा हूं, चौथे बच्चे को बोलती है बेटा मैं आपके लिए सिर्फ मनुका के लड्डू बना रहा हूं, मतलब उस बूंदी में सिर्फ मनुका रहेगा, ठीक है। चारों इसमें चारों को उन लोग जस्ट मिक्सिंग में बारीक करना शुरू कर देते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रहता, बच्चे खेलते रहते हैं। पेरेंट क्या करते हैं, चारों का मिक्सचर एक इसमें डाल के मिक्स करके बूंदी के लड्डू में डाल देते हैं, बूंदी के लड्डू बच्चों को दे देते हैं। अब देखो जो बच्चा लड्डू खा रहा उसमें बूंदी भी है, उसमें काजू भी है, उसमें बादाम भी है, उसमें अखरोट भी है, उसमें मनुका भी है, मतलब उसको जो चीज पसंद थी वो तो है और जो चीज पसंद नहीं थी वो भी है, वो भी इक्वल अमाउंट में है। तो जो लड्डू बनाने की बात कर रहा हूं ना मैं, वो लड्डू होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा, लड्डू जो बनाए ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मैंने बोला उसकी सबकी क्वांटिटी सेम है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। और जो आपने अलग अलग लिए ना, बादाम लिए, काजू लिए, अखरोट लिए, मनुका लिए, बूंदी लिए, वो सब क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को एक साथ मिला लो, लड्डू बना दो, जो लड्डू मिल गया वो लड्डू क्या है बेटा आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये लड्डू बने के लड्डू बनाने के इस फिनोमेनल और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, इसलिए मैंने बोला बेटा लड्डू बनाने वाली थे ये। तो सुनो मैं आपको क्लैरिटी और दे रहा हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंडीशंस क्या होना चाहिए। नंबर वन बेटा, ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। तो पहली बात तो क्लियर है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होने वाले हैं उनकी एनर्जी या तो सेम या तो नियरली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा यहां का 2s ऑर्बिटल आ रहा और वहां का 6p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 2s की एनर्जी 6p की एनर्जी बहुत दूर है, समझा, ऐसा नहीं हो सकता। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करा रहे हो इनकी एनर्जी कैसी हो बेटा, आइदर इट शुड हैव ए सेम और नियरली सेम एनर्जी हो। दूसरी बात बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव, देखो बेटा मस्ट हैव आइदर हाफ फिल और एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव हाफ फिल, एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स टू इंटरमिक्स। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं ना बेटा, वो कैसे हो, या तो हाफ फिल्ड हो सकते हैं, या तो एम्प्टी भी हो सकते हैं, या तो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं। बेटा ये एम्प्टी कंप्लीटली फिल्ड ये अभी आप हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में समझोगे, ये कंडीशन है, राइट, लिख लो बेटा दोनों कंडीशन देख लो, ठीक है। ये कंडीशन के बाद फिर एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, कंडीशन नहीं है पॉइंट बेटा, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सेस इज इक्वल टू आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। मतलब जितने नंबर ऑफ आपके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चलो बेटा इसका एग्जांपल करके देखेंगे, ऐसा समझ में किसी को नहीं आएगा,
पर इसका हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा वन एग्जाम्पल ऑफ इसे, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे बेटा उतने नंबर ऑफ आइडेंटिकल आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल ही मिलेंगे। ठीक है, अब वो कैसा होगा देखो बेटा ध्यान से, ध्यान से। अगर बेटा अगर ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी नियरली सेम है, और अगर इनकी इंटरमिक्सिंग करा ली है बेटा, अगर आपने इनकी इंटरमिक्सिंग करा ली है तो ये तो क्या है आपके, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। लेकिन कितने मिले हैं एस और पी, एस कितना वन, पी कितने वन, टोटल आपके पास टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। मैंने तो वही बोला ना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये रहने दो, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, जगह छोड़ देंगे, नीचे उतरेंगे बेटा। बेटा एक एस है और दो पी ऑर्बिटल्स हैं, और इनकी भी आपने इंटरमिक्सिंग करा ली है, इनकी इंटरमिक्सिंग करा ली है, तो एस कितने वन, पी कितने दो, टू प्लस वन थ्री, तो आपको बेटा यहां पर थ्री एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सेस इट गिव्स आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेटा और एक खास बात आपको मैं बताऊं, शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, मैं यहीं पे करा रहा हूं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लड्डू जो बने ना, लड्डू की शेप कैसे है बेटा, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो उसका शेप ऐसा ही होता है, एक बड़ा सा पत्ता और एक छोटा सा उसका एक ऐसा लीफ होती है। अब ये बताओ बेटा आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो बोले दो, कौन से दो, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन आप जानते हो बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपने बनाया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ऐसे अरेंज हो जाएंगे जिससे इनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। मतलब ये अगर आपका न्यूक्लियस यहां है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा, इसे दूर, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और आपको देखो ऐसा दिखा तो आपको क्या दिख रहा बेटा, इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखो तो सर ये देखे तो इतना तो मालूम पड़ रहा कि ये ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। और ये ज्योमेट्री के अराउंड में अगर आप ऐसा बॉन्ड एंगल देखते हो तो ये भी क्लियर है सर, इसकी बॉन्ड एंगल आती है कितनी आती है बेटा 180 डिग्री। आ रहा समझ में, वही तो बोला नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सेस इज इक्वल टू आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां देखो एटॉमिक ऑर्बिटल 1, 2, 3 थे, तो 3 एक एस है और दो पीस के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब बताओ बेटा आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो है, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक दूसरे के पास ऐसे अरेंज करो कि इनकी रिपल्शन मिनिमम हो, तो क्या करो भाई, मैं एक एसपी टू, एक एसपी को, एसपी टू को ऐसे, देखो ये भी क्या बेटा आपका एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी क्या आपका एसपी, मतलब दो एसपी बन गए ना। तो अभी आपके पास एसपी टू 3 है, ये एक एसपी टू है बेटा, ये दूसरा एसपी टू और ये तीसरा एसपी टू। बोलो एसपी टू के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, तो 1, 2, 3 आ गए। अब छोटी लीफ कहां बनाना, मर्जी बेटा, यहां बनाओ नहीं बनाओ कोई आगे देखने वाला नहीं कि सुधीर सर ने आपको बड़ी लीफ के साथ छोटी लीफ सिखाया कि नहीं सिखाया, कोई नहीं पूछता, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अब देखो ये और ये एक्सिस को थोड़ा बना के देखो, ये कुछ आपको ऐसे दिखता है, तो भाई ये तो पक्का यहां से यहां की बॉन्ड एंगल आप निकालो 120 डिग्री, और ये ऐसी जब आती है तो ऐसे इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जब भी ज्योमेट्री की बात करो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यस सर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितनी आ गई मैडम, बॉन्ड एंगल, सॉरी बेटा मैडम बोल दिया, बॉन्ड एंगल कितनी आ रही बेटा, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आ गया। ठीक है, ये बन गया किसका बेटा, एसपी टू का। चलो सर थोड़ा एसपी थ्री की बात करेंगे बेटा, एक एस के ऑर्बिटल और 3 पी के ऑर्बिटल, फिर क्या कर गए, इंटरमिक्स कर गए, इंटरमिक्सिंग करा के एक दो, अरे 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 अरे, एक एस का हो गया और
तीन पी के हो गए, इंटरमिक्सिंग करा के आपको क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4। तो सर यहां पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। बेटा 4sp3 कैसे बनाते हो, बच्चा जानता है? 1, 2, 3, 4, अंदर में छोटी लीफ छोटी लीफ छोटी लीफ छोटी लीफ, भाई ये sp3। देखो sp2 के तीन, अब sp3 के चार, 1, 2, 3, 4। अगर इसको ठीक से देखो तो आपको ये ऐसे दिख रहा, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब ये तो पक्का है कि ऐसी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं बेटा, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ए टेट्राहेड्रल। और यहां से यहां तक की बॉन्ड एंगल अगर आप देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो यहां पर क्लियर है बेटा इसकी बॉन्ड एंगल आती है 109 डिग्री 28 मिनट, इसकी बॉन्ड एंगल आती है। और ज्योमेट्री देखो तो कैसे आती है बेटा, टेट्राहेड्रल आती है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। ले लो बेटा यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट बेटा। अभी जो हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखे बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम या नियरली सेम हो, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्सिंग करा रहे हो राइट, इनकी इंटरमिक्सिंग कराने के बाद इनसे मिलने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने नंबर आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे राइट। और मैंने इसके हिसाब से आपको बता दिया कि एसपी एसपी टू एसपी थ्री ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल कैसा हो सकता है। तो यहां पर एक खास बात ये भी है बेटा कि अब जो हमने देखा है वो हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने टाइप्स ही देख लिए बेटा। जो अभी हमने देखा है वो क्या देखे बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखे। दिस इज कॉल्ड एज ए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमने देखा है। एक्चुअली हेडिंग मेरे को पहले लिखना था लेकिन मैंने वहीं पे एक्सप्लेन करा दिया बेटा। पहली टाइप होती है एसपी की हाइब्रिडाइजेशन की, वेरी गुड बेटा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता, तो ये भी देखो, एक एस ऑर्बिटल होगा, दूसरा बेटा पी ऑर्बिटल होगा, और दोनों की आपने क्या करानी, इंटरमिक्सिंग करानी है बेटा। दोनों की इंटरमिक्सिंग कराओगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा कितना बेटा, 1+1, इट विल फॉर्म द 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही तो पढ़ा हमने, अच्छी बात है बेटा। यहां देखो s कैसा स्फेरिकल है, p कैसा है डंबल है। इंटरमिक्सिंग करने से ऐसा गोल और ऐसा डंबल कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधा सीधा मैंने बताया ना, सीधा एक जैसी ही दिखेगा, ये भी और ये भी एक जैसा ही दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, ये जो लड्डू है और ये जो बादाम अखरोट है एक बार मिला लिए ना सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो इसकी एनर्जी सेम होती है। खास बात इसमें ये पढ़ाना है बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात बेटा, ये एक एसपी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहा है इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। तो देखो बेटा इस एसपी में ढूंढना एस कितने हैं, तो बोलना 1। टोटल कितने हैं, एस एक पी एक, एस इज 1 पी इज 1, टोटल हाउ मेनी, 2 इंटू 100 करा लो बेटा। ये इंटू 100 कराओगे तो 50% आपका एस के कैरेक्टर आ गए, तो बाकी बचे कितने बेटा, 50% आपके पी के कैरेक्टर आते। मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा भाई एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस की परसेंटेज कितनी है, तो बोलना 50। कैसे, एसपी में एस कितना दिख रहा बेटा, 1, पी कितना दिख रहा, 1, तो 1+1 टोटल तो 2 है, लेकिन एस तो कितना 1 है बेटा, ये एस 1 टोटल 2 में एस 1 ही है, तो S1 टोटल 2 इंटू 100, 50% S 50% P हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे आपको सिर्फ एक चीज जानना है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल 180 डिग्री होगी बेटा। ज्योमेट्री इज ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। चलो इस एसपी का एक अच्छा सा एग्जांपल करके देखेंगे बेटा। अब मैं ले रहा हूं एग्जांपल BeCl2 का, वेरी गुड बेटा। BeCl2 में पहले रफ स्ट्रक्चर बना के देखो। सर ये रफ स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, मतलब बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 2 बॉन्ड। और आप जानते हो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम बेरिलियम 3 एंड 4,
और इसकी एग्जैक्ट स्टेट की कॉन्फिगरेशन लिखो बेटा, 1s2 2s2 बिकम 2s1 2p x1, मतलब आपके 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा बेरिलियम के, राइट। अब देखो बेरिलियम के पास दो अनपेड है। अब आप जानते हो क्लोरीन के पास अनपेड उसके p ऑर्बिटल में होते हैं। देखो बेटा ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फिगरेशन ऐसा आएगा नियॉन 3s2 3p5। तो बेटा ये p के 5 में 1 2 3 4 5 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन के p ऑर्बिटल में है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बेरिलियम का ये वाला अनपेड आपके 2s में है और ये वाला अनपेड आपके 2p में है। 2s और 3p, 2p और 3p मतलब आपको डिफरेंट बॉन्ड आने वाले हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूं सुनो क्या करना है बेटा। आपने ये जो बना ली है, ये जो बना ली है, बस इसको मैं बता रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ SNP ये जो बना है, देखो आपको बता रहा हूं क्या करना है। और जब आपने BeCl2 का बेटा BeCl2 का एग्जाम्पल लिखा है, यहां पर आप देख रहे हो बेरिलियम के पास दो अनपेड है, कहां है S और P में, तो क्या बोलो बेटा, S एंड P ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विद इंटरमिक्सेस टुगेदर एंड फॉर्म S कितना 1 P कितना 1 एंड फॉर्म 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब इट अंडरगोस SP हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही बोलेंगे ना बेटा, इट अंडरगोस किसमें गया, इट अंडरगोस SP हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अगर SP के हाइब्रिडाइजेशन में गया तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेटा वो दो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। अब दो SP कैसे रहेंगे, तो देखो बेरिलियम है, ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है बेटा, ये एक SP और ये दूसरा SP, छोटी छोटी लीप अंदर बना लो, ये सेंट्रल एटम बेरिलियम यहां पर है बेटा, इसका ये SP इसका ये SP। अब देखो इसके पास दो अनपेड है, इस SP में बेटा एक अनपेड है और दूसरे SP में भी एक अनपेड है। अब वो किससे बॉन्डिंग बनाएगा, क्लोरीन, और अभी भी आपने देखा क्लोरीन का अनपेड किस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में है। तो बेटा ये पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैविंग अनपेड एंड फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, बेटा ये पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैविंग अनपेड एंड फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। तो देखो बेटा आपको दिख भी रहा, बेरिलियम ने क्लोरीन और क्लोरीन से दो सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया। इनिशियली आपको दिख रहा था 2s एंड 3p, 2p एंड 3p, लेकिन अब ऐसा नहीं बोलना, ये इनिशियली ऐसे दिख रहा था ना आपको, आपको ऐसे दिख रहा था ये 2s ऑफ बेरिलियम और 3p ऑफ क्लोरीन सिग्मा, और ये बेटा 2p ऑफ बेरिलियम और ये 3p ऑफ क्लोरीन, ये भी सिग्मा, मतलब दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग है, ये SP से आ रहा और ये PP से आ रहा। और ये था बेटा कंसेप्ट आपका, कहां से, ये कंसेप्ट VBT से था, मतलब इसके हिसाब से दोनों के दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट थी। लेकिन अब देखो बेटा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा, SP ऑफ बेरिलियम और ये 3p ऑफ क्लोरीन, SP एंड 3p ऑफ क्लोरीन फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। बेटा ये अनपेड बेरिलियम के कहां से आ रहा, SP ऑफ बेरिलियम एंड 3p ऑफ क्लोरीन, SP 3p सिग्मा बॉन्ड, मतलब दोनों के दोनों की बॉन्ड एनर्जी अब क्या हो गई, सेम हो गई। इज इट क्लियर, ये था बेटा, ये था अबाउट द अब सही दिख रहा ना, ये था बेटा अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ए 2σ बॉन्ड। तो आपने हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इज इट क्लियर, बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। तो बेटा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपको दो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। ये था SP हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। चलो बेटा हम और एक एग्जांपल देखेंगे, SP2 वाला भी, और ही एग्जांपल देखेंगे बेटा हम लोग SP2 वाला भी, देखो कैसे। द सेकंड टाइप विच वन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू बेटा वो है टाइप 2 कॉल्ड एज ए SP2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा SP2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तो क्लियर है, आपके पास एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगे, और इनकी अगर आप इंटरमिक्सिंग कराओगे
तो इंटरमिक्सिंग कराओगे तो 1+2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और अभी भी आपने देखा उसका शेप कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चलो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल करके देखेंगे। अगर आपको बनाना है तो ये ऐसा बनाना बेटा, ये एक सर्कल होगा, ये एक डम्बेल होगा, ये भी एक डम्बेल होगा, इसमें भी एक अनपेड, इसमें भी एक अनपेड, चलो कैसे भी डजंट मैटर, ऊपर नीचे की फर्क नहीं पड़ता। और ये सब मिला के आपको 1, 2 और 3 बेटा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, इसमें भी अनपेड, इसमें भी अनपेड, इसमें भी अनपेड, और सारे sp2 की बेटा एनर्जी सेम है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालो। तो देखो बेटा, इस sp2 में आपके पास एस कितने हैं, तो बोला 1। टोटल कितने हैं, 1+2 s1, p2 टोटल कितने हो गए, 3। बेटा 1/3 × 100 करते हो, 33.33% आपका एस कैरेक्टर आ रहा है। क्या बेटा ये दिख रहा है, 33.33% एस कैरेक्टर है। तो बच कितना गया, 66.66% आपके पी कैरेक्टर हो गए। मतलब जब भी sp2 आए, सीधी बात है ज्योमेट्री तो आएंगी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आएंगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, और बाउंड एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री, हमने देख लिया है। अब इसका एग्जांपल करके देखेंगे। देखो बेटा, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल sp2 वाला है, ले लो बेटा BF3 करके ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब BF3 मतलब बोरॉन, इसकी एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p1, मतलब 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बोरॉन ने इनडायरेक्टली आपको दिखना है रफ में कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो बोलना बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं बेटा। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेड हो ना, तो सीधा सीधा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखो, 2s2 बिकम 2s1 एंड 2p1 बिकम 2p2, ये चलेगा। अब आपने क्या बोलना, बोरॉन अंडरगोस यहां से s और यहां के p। देखो बेटा, एक s का है, 2p के है, एंड इट फॉर्म अंडरगोस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1 2 3। तो लिखना ये सेंट्रल एटम बोरॉन है, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ये कौन है बेटा, बोरॉन। ये रहा बेटा sp2, ये भी रहा sp2 और ये भी रहा sp2। ये ओवरलैपिंग किससे कर रहा, आप जानते हो फ्लोरीन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पी ऑर्बिटल में है, तो ये पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन हैविंग अनपेड टू फॉर्म द सिग्मा। बेटा ये पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन हैविंग अनपेड टू फॉर्म द सिग्मा, और ये पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन हैविंग अनपेड टू फॉर्म द सिग्मा। ठीक से देखो बेटा कैसे दिख रहा है, बोरॉन के साथ फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन। बेटा ये बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2, फ्लोरीन का कौन सा, पी। बेटा बोरॉन का sp2, फ्लोरीन का कौन सा, पी, और बोरॉन का ये कौन सा बेटा, sp2, और फ्लोरीन का क्या है, पी। sp2p सिग्मा, sp2p सिग्मा, sp2p सिग्मा, मतलब तीनों की बॉन्ड एनर्जी सेम है और सीधा सीधा दिख भी रहा है। इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो गई, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बन गया ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल बन गया कितना बेटा, 120 डिग्री। और इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी दिख रहे हैं आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, और एक्सपेरिमेंटली भी तीनों की बॉन्ड एनर्जी बेटा सेम ही थी। इज इट क्लियर, देख लो बेटा इसे एक बार ठीक से देख लो, वन सेकेंड चेक इट हियर। बेटा हमने ये जो देखा है अभी हाइब्रिडाइजेशन का टाइप में sp एंड sp2, बट थर्ड टाइप भी देखेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड टाइप, टाइप 3 इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज sp3
थ्री हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये तो क्लियर है बेटा, एक एस ऑर्बिटल होगा और तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे और सबके सब इंटरमिक्सिंग करेंगे, और जब इन सबके इंटरमिक्सिंग हो गए तो वन टू थ्री फोर, तो आपके पास फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है बेटा, अब फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको समझ में आ रहा कैसे होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, तो एस तो वन है, टोटल फोर है, इंटू हंड्रेड करा लो, दैट इज 25% ऑफ एस कैरेक्टर। तो बाकी जो बच गए बेटा वो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होते हैं, राइट। एसपी थ्री को बनाने के लिए ऐसे बनाते बेटा, ये वन एसपी थ्री, ये टू, ये थ्री और ये फोर। बेटा इस तरह से आपके पास चार एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, एंड ऑल ईच एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी देन द ऑल, मतलब सारे एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये एक दूसरे से ऐसे अरेंज होंगे कि इनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये देख के हम बोल सकते हैं बेटा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो सर इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और ऐसे इसकी बॉन्ड एंगल होती है 109 degree 28 minutes, ये इसके लिए है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेके करेंगे बेटा, एग्जांपल इसका है CH4 का मॉलिक्यूल, CH4 के मॉलिक्यूल में बेटा आप जानते हो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2, 2s2 और 2p2। तो आप जानते हो बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास सिर्फ दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का ये जो कॉन्फिगरेशन था ये आपके ग्राउंड स्टेट का था। तो आप एक काम कीजिए, फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट की कॉन्फिगरेशन लिखो, तो ये आता 1s2, 2s1 एंड 2p3 बेटा, ये यहां पर आ गया और 2p के तीन इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आ गए। मतलब अब कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि आप जानते हो CH4 मींस कार्बन को इस तरह से चार बॉन्ड तो बनाने हैं, चार अनपेड तो है, वो आगे अपना एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे ओवरलैपिंग नहीं करेगा बेटा, सीधा सीधा एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करा के इट विल फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड सेम एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी भी सेम होगी और इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो देखो एक कार्बन के पास आपके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा 1 then 2 then 3 and then 4, ये क्या है बेटा कार्बन है, ये क्या है कार्बन है। अब कार्बन में मैंने जिस तरह से बना दिया, देखो बेटा कार्बन में मैंने क्या बना दिया, मैंने कार्बन में देखो बेटा कार्बन एटम इन इज फर्स्ट एग्जाइटेड स्टेट अंडरगोस sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, बना दिया ना, इट अंडरगोस sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, दिख रहा है बेटा आपको, वेरी गुड। तो देखो मैंने यही बनाया sppp, मतलब इंटरमिक्सिंग करा के 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो दे दिया है, और ये तो दिख रहा है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाल रहे हैं, एक एस है, चार पीस है, बाकी ये भी आ गया। sp3 ऐसे बनाते हैं ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। मैंने CH4 का मॉलिक्यूल लिया और ये मैंने छोटा सा एग्जांपल में ट्रफ में बनाया, तो ये तो पक्का है कि कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने हैं, तो कार्बन के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड है बेटा, दो, अपने काम के नहीं है क्योंकि अपने को चार अनपेड होना। तो मैंने फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट में लिखा 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के 2p में गया, तो 2s2 बन गया 2s1 और 2p2 बन गया 2p3, देखो चार आ गए। हम बोलेंगे कार्बन एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इट्स फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट एंड फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार तो बनाएगा ना, चार डब्बे के चार sp3 बना लिया, एक दो तीन और चार, और एक ही के पास एक एक अनपेड भी है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किससे ओवरलैपिंग कर रहा, H हाइड्रोजन, और आप जानते हो हाइड्रोजन के पास अनपेड कहां पर है, S ऑर्बिटल, हाँ, तो S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अनपेड टू फॉर्म सिग्मा, S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अनपेड टू फॉर्म सिग्मा, S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अनपेड टू फॉर्म सिग्मा, S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अनपेड टू फॉर्म सिग्मा। तो बोलो बेटा 1 2 3 4 कितने सिग्माज आ गए, चार सिग्माज आ गए, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड को अगर ध्यान से देखो
ध्यान से देखो बेटा ऐसे, तो ये कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s, तो चारों के चारों बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। आपको याद आ रहा वीबीटी, मैंने वीबीटी का लिमिटेशन बताया था कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ss का सिग्मा था, बाकी तीन बेटा ps ps के सिग्मा थे, वो वीबीटी में थे। लड्डू बनाने वाली थ्योरी में ऐसा नहीं है। कार्बन के पास चारों अनपेड जो है वो कहां के हैं? sp3 और हाइड्रोजन का s, sp3s 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 मतलब sp3s मतलब CH4 में चार sp3s के सिग्मा बॉन्ड है और चारों के चारों की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, एक्सपेरिमेंटली भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन से भी सेम है। इज इट क्लियर बेटा? तो हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में क्या क्या देखे बेटा? हमने देखा sp, sp2 एंड sp3। बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है, अगर मैं और कंटिन्यू करने लगा तो वीडियो 1.5 घंटा 2 घंटे तक जाएगा। तो मैंने जो टाइप्स तक बताया अभी यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडेशन के और टाइप्स होते हैं sp3d, sp3d2, sp3d3। बेटा ये जो मैंने एग्जांपल्स लिया ना, sp का एग्जांपल मैंने BCl2 लिया, sp2 का एग्जांपल मैंने BF3 लिया और sp3 का एग्जांपल CH4 लिया। उसके अलावा बेटा sp का एग्जांपल C2H2 भी होता है, sp2 का एग्जांपल C2H4 भी होता है और sp3 का एग्जांपल C2H6 भी होता है। अब उसमें सिग्मा बॉन्ड भी कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आपको अब तक तो मैंने इतना बता दिया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होके जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। देखो बेटा CH4 में कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4, तो 4 सिग्मा आ गए, देखो 1 2 3 4। BF3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3, 3 sp2 के बने ना बेटा, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा। और BCl2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सिर्फ 2, कौन से 2, अपने sp के, तो 2 सिग्मा। मतलब जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने आपके सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे। तो लेकिन इसके अलावा C2H2 C2H4 C2H6 में आपको पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा, उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, राइट। एक बार इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। तो बेटा अब मैं ये वीडियो को यहीं पे रुकाऊंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा sp का एग्जांपल C2H2 होता है, sp2 का एग्जांपल C2H4 भी होता है और sp3 का एग्जांपल C2H6 भी होता है। इसके अलावा sp3d, sp3d2, sp3d3 के भी एग्जांपल्स देखेंगे। और ये सब देखने के बाद मैं आपको IIT मेंस और नीट में सीधा ट्रिक लगाना सिखाऊंगा। ये तो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया बेटा, लेकिन एग्जाम में ये सब काम में नहीं आता। एग्जाम में क्या काम आता, आपको सीधा फॉर्मूले के ऊपर के ट्रिक वो लगा दो, 2 सेकंड में, 2 सेकंड तो बहुत कम बोल दिया, एक 20 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। वो मैं ट्रिक सिखा दूंगा हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट टू बी इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट बेटा, और हो सके तो प्लीज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।